नमस्कार, डीसीपी न्यूज की ब्रेकिंग खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस खबर से। जहां राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में आज NSDY के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के केंद्र बिंदु घंटा घर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP का पुतला दहन किया। NSDY के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ न्यायिक मार्च निकाल कर अंकिता भंडारी के हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही VIP के नाम का खुलासा करने की भी मांग की है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में क्या खुलासा कर पाएगी, प्रदेश की पुलिस व्यवस्था क्या इस प्रकरण में कोई बड़ा खुलासा कर पाएगी, या फिर इसमें मात्र राजनीति तक यह मुद्दा सीमित होकर रह जाएगा। आपको पता है कि अंकिता भंडारी जो हत्याकांड एक उत्तराखंड में ऋषिकेश में हुआ था, उसमें अभी तक जो हमारी स्टेट पुलिस है उसने कोर्ट में एक जो अपनी चार्जशीट है वो तक अभी तक दायर नहीं की है। इन्हीं सब मुद्दों के गुस्से को लेकर आज हमारी जो NSDY की छात्र इकाई थी उसने जो DGP अशोक कुमार हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर और इसमें चार्जशीट और CBI जांच की मांग को लेकर एक मार्च हमने निकाला था, और DGP अशोक कुमार और मुख्यमंत्री का पुतला हमने आज घंटाघर में इस मार्च के बाद दहन किया। अगली खबर पचवादून के सहसपुर हरपटपुर क्षेत्र से। जी हां, सहसपुर क्षेत्र के एक युवा को 1 किलो 215 ग्राम अवैध चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभियुक्त की पहचान चांद पुत्र मुस्तकीब निवासी सहसपुर बताई जा रही है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। अगली खबर सैया कालसी से। हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति वर्मा ने बताया है कि एक शादी की गाड़ी से मध्य रात्रि एक युवक शौच के लिए उतरा था। शौच जाते समय युवक का पैर अचानक पहाड़ी से फिसल गया, जिस कारण कि युवक गहरी खाई में जा गिरा। युवक को गहरी चोट आने के कारण मौके पर ही युवक की मृत्यु हुई है। इस घटना की सूचना जैसे ही SDRF टीम एवं सैया पुलिस बल को पहुंची तो मौके पर पहुंचकर शव को गहरी खाई से बाहर निकाला गया। युवक की पहचान देव चौहान पुत्र अनिल चौहान चांदपुर बिजनौर का बताया जा रहा है। युवक की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस बल के द्वारा युवक को शव को मोर्चरी में रखा गया है। वहीं उक्त सूचना युवक के परिजनों को दे दी गई है। 1 बजे सूचना मिली हमें कि कोई एक आदमी नीचे गिर गया है, और लगभग 2 बजे के आसपास घटना स्थल पर पहुंच गए थे, और ये काफ़ी गहराई में जा रहा है, लगभग 500 मीटर। सर अभी डिटेल का कुछ पता चला है? काम डिटेल का भी है, इसका पता नहीं चला। अब देखते हैं क्या आईडेंटिटी है इनके पास, अभी पता चलेगा। जी ये कहाँ से आ रहे थे? ये कहीं ऊपर सैया शादी में गए थे, तो वहाँ से आ रहे थे। देहरादून का लड़का है, इतनी जानकारी है। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा DCP न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।